देखिए कम वक्त में ट्रिक से समझने का तरीका ये है टेंसेस का कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है जो ये इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज वॉज हैज और डज। ये सारे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। किसके साथ लगेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट पता है होना चाहिए। ये होता है ही शी इट राम अब वाय यानी किसी का नाम और या किसी कॉमन नाउन से पहले आ लगा हो या दा भी लगा हो सकता है। ठीक है प्रॉपर नाउन जो कुछ होते हैं वैसे तो वो अलग टॉपिक कहीं नहीं जाएंगे एट्सेट्रा। जितने भी सिंगुलर चीज़ें होंगे उन सब के साथ या तो इज़ लगेगा या वॉज लगेगा या हैज़ या डज। मतलब इज़ प्रेजेंट में लगता है ये पास्ट में लगता हैज़ भी प्रेजेंट परफेक्ट लगता है ये सब पता ही है आपको। ठीक अब जैसे लिखा है ही इज़ ईटिंग फूड। देखिए ही सिंगुलर था इसके लिए इज़ लगा। पास्ट में अगर बात करते तो ही वॉज ईटिंग फूड इज़ और वॉज जब भी होगा तो एन जी ज़रूर लगा होगा लेकिन ही हैज़ लगाना है तो हैज़ तो लगाया लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना इसलिए वर्ब की सारी फॉर्म आपको याद होना चाहिए। वो खाना खा चुका है वो खाना खा रहा है वो खाना खा रहा था वो खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। ही की इंग्लिश वो भी होती है और उसने भी होती है। क्या वो खाना खाता है तो ये डज ही ईट फूड। क्या से जब आप सोचेंगे क्या की इंग्लिश तो व्हाट होती है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सबसे पहले लगा उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है। ठीक है जैसे इनमें से कुछ भी इज़ ही ईटिंग फूड क्या वो खाना खा रहा है वॉज ही ईटिंग फूड क्या वो खाना खा रहा था हैज़ ही ईटन फूड क्या वो खाना खा चुका है डज ही ईट फूड क्या वो खाना खाता है तो देखिए डज लगा। अब इसी तरह कुछ रूल्स आपको ये याद रखने हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है आर वर और हैव और डू ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है आई वी यू दे स्पेशली ये प्लूरल का फॉर्मूला है आई वी यू दे। इसके अलावा जिसमें एस लगाओ जिस नाउन में एस लगाओ वो प्लूरल है बहुवचन है एक से ज़्यादा है उनके साथ ये लगेगा। जैसे ही इज़ प्लेइंग है अगर यहाँ पे ही की जगह आई होता मैं खेल रहा हूँ तो आई के साथ स्पेशली एम लगता है ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट में पास्ट में आई के साथ वॉज लगता है और फ्यूचर में आई के साथ शैल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है बाकी सब चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर सबके साथ विल लगता है फ्यूचर में। ठीक है तो आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था। ठीक है तो आई के साथ स्पेशली वॉज लगता है इसलिए लिख दिया हमने। बाकी यू वी दे इस वजह से कुछ भी होगा तो यू वर लगेगा पास्ट में और अगर प्रेजेंट में होता तो यू आर प्लेइंग और फ्यूचर में होता सॉरी परफेक्ट में होता तो यू हैव प्लेड इसके साथ ईडी लगेगा। ठीक है इसमें आईएनजी लगता है इसमें यू हो या वी हो या दे हो या बॉयज़ हो बॉयज़ में एस लगा ना तो प्लूरल होगा तो हैव लगेगा। यू डू नॉट प्ले डू यू प्ले। ठीक है जैसे डज ही ईट फूड है तो यहाँ पे डू दे ईट फूड डू आई ईट फूड डू वी ईट फूड क्या हम खाना खाते हैं क्या तुम खाना खाते हो ना। क्लियर हो गई बात। तो ये थोड़े रूल्स थे आपको याद रखने पड़ेंगे ये बेसिक रूल है। तो किसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है वो भी निगेटिव और इंटरोगेटिव लगता है डू या डज लेकिन सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। आई प्ले आई ईट आई ड्रिंक ये सब है ना फर्स्ट फॉर्म लगती है बस। तो इसको आई थिंक समझ लेना चाहिए आपको रिवाइज करिएगा अच्छे से और जो भी डाउट हो कमेंट में बताइए सारे डाउट क्लियर होंगे इंशाल्लाह।